हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइज़र गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं न्यू जीएसटी रिटर्न के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, जो कि आपके लिए 1 अप्रैल 2020 से डिपार्टमेंट के ज़रिए आपके लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा कि 1 अप्रैल 2020 और ऑनवर्ड्स आपको जो अपने क्लाइंट की जीएसटी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी वह एज़ पर न्यू जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी। तो उससे पहले आपके लिए अभी 3 महीने हैं जिसमें आप न्यू जीएसटी रिटर्न का ट्रायल यूज़ कर सकते हैं। आखिर आपको इस न्यू जीएसटी रिटर्न में अपने क्लाइंट की ANX-1 कैसे फाइल करनी है, तो आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक यही रहने वाला है, जिसमें हम आपको लाइव दिखाएंगे कि आप अपने क्लाइंट की न्यू जीएसटी रिटर्न एज पर ट्रायल कैसे यूज़ कर सकते हैं बिफोर 1 अप्रैल 2020। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें हम आपको दिखाएंगे कि आप अपने क्लाइंट की न्यू जीएसटी रिटर्न्स के अकॉर्डिंग कैसे ANX-1 फाइल कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी इस वीडियो को। आपको सबसे पहले गूगल पर आना है, उसके बाद में आपको टाइप करना है www.gst.gov.in पर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप सबसे ऊपर क्लिक करना, उसके बाद आप डैशबोर्ड पर आ गए हैं, उसके बाद में आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप पासवर्ड और कैप्चा एंटर करेंगे तो आप डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे अपने क्लाइंट की। उसके बाद आपको आ जाना है सर्विसेज पर, और उसके बाद रिटर्न्स पर, और इसके बाद न्यू रिटर्न ट्रायल पर। जैसे ही आप न्यू रिटर्न ट्रायल पर आएंगे, हम आपको जल्दी से यहाँ पर न्यू रिटर्न को सिलेक्ट करने का आपको तरीका बता देते हैं कि आपको यहाँ पर किस तरीके से अपनी क्लाइंट की जीएसटी रिटर्न को सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर कितना था। आपको इसके बारे में हम एक ओवरव्यू दे देते हैं। जैसा कि 1 अप्रैल 2020 से आपके लिए न्यू जीएसटी रिटर्न को कंपलसरी कर दिया जाएगा, उस वक्त जो फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 यानी कि 2021 तक आपका फाइनेंशियल ईयर बैठेगा, और उस वक्त जो आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा 1920 यानी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 में आपका टर्नओवर कितना था। तो अगर हम बात करें तब से, तो आपको 1920 में यह देखना पड़ेगा कि आपके क्लाइंट का टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा था। उसी के बेस पर आप अपने क्लाइंट की जीएसटी रिटर्न को सिलेक्ट कर पाएंगे कि आप अपने क्लाइंट के लिए क्वार्टरली रिटर्न सिलेक्ट करना चाहते हैं या मंथली। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पर बताएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, वाज यूर एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू ₹5 करोड़। अगर आपके क्लाइंट का टर्नओवर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ या उससे कम है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए यस, और अगर नहीं है 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए नो। आपको हम ये भी बताएंगे यहाँ पर, अगर आपके क्लाइंट का टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आप 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप क्वार्टरली रिटर्न सिलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये क्वार्टरली रिटर्न उन्हीं टैक्स पेयर को प्रोवाइड कराई जाएगी जिनका टर्नओवर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ या उससे कम रहा होगा। अगर आप नो कर देते हैं तो आपके लिए देखिए ये तीनों क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं होगा। अगर हम कर देते हैं यस कि हमारा टर्नओवर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ या उससे कम का था, तो देखिए यहाँ पर आपके लिए अब दूसरा क्वेश्चन ओपन हो जाता है जिसमें आपसे पूछा क्या गया है। इफ़ रिप्लाई इज़ यस इट सीरियल नंबर फर्स्ट, डू यू इंटेंड टू फाइल रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस। क्या आप अपने क्लाइंट की क्वार्टरली रिटर्न सेलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप नो कर देते हैं तो तब भी ये तीनों ऑप्शन आपके लिए हाईलाइट नहीं होंगे और आप सिंपल मंथली ही रिटर्न फाइल कर पाएंगे, और अगर आप कर देते हैं यस तो आपके लिए तीनों ऑप्शन हाईलाइट हो गए हैं। अब आप इन तीनों में से सहज, सुगम और क्वार्टरली नॉर्मल में से कोई से भी रिटर्न अपने क्लाइंट की एज़ पर रिक्वायरमेंट कोई से भी रिटर्न को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप
इन डिटेल में जानना चाहते हैं सहज के बारे में, सुगम के बारे में और क्वार्टरली नॉर्मल के बारे में कि ये आखिर तीनों इन रिटर्न्स में आपस में क्या डिफरेंस है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम अपनी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे अपने चैनल पे, जहाँ पर जाकर आप इनके बारे में कंप्लीट डिटेल जान सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अपने क्लाइंट की कर लेते हैं नो। हमने जैसे ही नो ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसका मतलब पूरा ये हो गया है कि हमारे क्लाइंट का जो टर्नओवर है ड्यूरिंग प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ या उससे कम तो है, लेकिन हम अपने क्लाइंट का जो रिटर्न है वो मंथली ही फाइल करना चाहते हैं। इसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप इन्फॉर्मेशन ओपन हो गई है, जिसमें क्या पूछा गया है, यू विल बी फाइलिंग योर रिटर्न एट मंथली फ्रिक्वेंसी, एट टाइप ऑफ रिटर्न एज GST RET 1, डू यू विश टू कंटिन्यू। अगर आप मंथली फाइल करना चाहते हैं तो उसमें RET 1 आपको फाइल करनी पड़ेगी। हम कर देते हैं यस। जैसे ही आप यस पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर न्यू रिटर्न्स पर हम थे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पर हम एक इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन अपलोड करके दिखाने वाले हैं, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप अपने क्लाइंट की ANX 1 कैसे फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हम एक इनवॉइस ले लेते हैं, जहाँ पर आपको हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है न्यू रिटर्न ट्रायल। आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए अपने क्लाइंट की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। हमने 1920 ले लिया है। उसके बाद में रिटर्न फाइलिंग पीरियड सेलेक्ट करना है। हम दिसंबर मंथ के लिए अपने क्लाइंट की फाइल करना चाहते हैं ANX 1। यहाँ सी फॉर्म रिटर्न, देखिए टाइप रिटर्न का टाइप्स क्या है, ANX 1, ठीक है, जिसमें एनेक्जर्स ऑफ सप्लाईज आपको प्रोवाइड कराई गई है, और ANX 2। देखिए हम इन दोनों में आपको बताएं कि ये आखिर है क्या। जैसे आप अभी तक अपने क्लाइंट की GSTR 1 फाइल करते थे, उसी को न्यू रिटर्न में आपके लिए ANX 1 से डिफाइन किया गया है। और जैसे आप अपने क्लाइंट की GSTR 2 को चेक करते हैं अपने परचेज रजिस्टर से, इसी तरीके से न्यू रिटर्न में उसका नाम ANX 2 प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको एनेक्जर्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसको आप अपने परचेज रजिस्टर से मैच भी कर सकते हैं। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं ANX 1 एनेक्जर्स ऑफ सप्लाई। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद में आपको प्रिपरेशन ऑफ मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या आप ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं या अपलोड करना चाहते हैं डाउनलोड जैसन फाइल। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको ऑनलाइन न्यू GST रिटर्न कैसे फाइल की जाती है यहाँ पर हम आपको वह दिखाने वाले हैं। उसके बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने ऑलरेडी ये अपने क्वेश्चन आंसर को ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, जिसमें हमने दिखाया है कि हम अपने क्लाइंट की जो दिसंबर मंथ में सिर्फ सप्लाई जो है वो B2B सप्लाई हुई है हमारे क्लाइंट की। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट की B2C भी है, B2B भी है, या एक्सपोर्ट है, या इनवर्ड सप्लाई है जिस पे RCM की लाइबिलिटी लगती है, तो आप यहाँ पर एड रिमू टेबल पर भी जा सकते हैं। जैसे ही आप एड रिमू टेबल पर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चन ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपको एज पर रिक्वायरमेंट अपने यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता हैव यू मेड B2C सप्लाई। अगर आपके क्लाइंट की दिसंबर मंथ में B2C सप्लाई भी थी तो आप यहाँ पर यस कर लेंगे, और अगर आपके क्लाइंट की हैव यू मेड B2B सप्लाई, अगर B2B भी थी तो आप यहाँ पर उसको भी यस कर लेंगे। उसके बाद में हैव यू मेड एक्सपोर्ट विद और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपके क्लाइंट कोई एक्सपोर्ट करते हैं तो आप यहाँ पर यस कर लीजिए, अदरवाइज इसको नो ही रहने दीजिएगा। इसके बाद में हैव यू मेड सप्लाई टू SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर विद विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आप कुछ ऐसी सप्लाई करते हैं जो कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो होती है वो SEZ में होती है, या SEZ डेवलपर को करते हैं विद पेमेंट या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप नो रहने देंगे। इसके बाद में हैव यू मेड एनी सप्लाई ट्रीटेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट। आप कोई ऐसी सप्लाई करते हैं जिसको
टैक्स डिपार्टमेंट डीम्ड एक्सपोर्ट मान लेता है तो आप उसको यस कर लीजिए, अदरवाइज इसको भी आप नो रहने देंगे। इसके बाद में जो 6 नंबर आता है उसमें पूछा गया है, हैव यू रिसीव्ड इनवर्ड सप्लाइज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज बेसिस। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई ऐसी परचेज करते हैं जिसके ऊपर RCM की लाइबिलिटी आती है तो आप उसमें यस कर लीजिए, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिएगा। फिर इसके बाद आता है 7th नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया हैव यू मेड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्या आप इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हैं, तो अगर करते हैं तो यस कर लीजिए, अदरवाइज इसको भी आप नो रहने दीजिएगा। इसके बाद में 8th नंबर जो आता हैव यू मेड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, क्या आप किसी पर्टिकुलर मंथ में इम्पोर्ट ऑफ गुड्स किया हुआ है आपने दिसंबर मंथ में, तो आप यस कर लीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। इसके बाद में 2nd लास्ट जो आता हैव यू इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम SEZ यूनिट्स, क्या आप कुछ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से करते हैं, अगर आप करते हैं तो यस कर लीजिए, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिएगा। इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हैव यू मेड एनी सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑन विच टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड अंडर सेक्शन 52। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई गुड्स आप सेल करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जैसे बहुत से लोग अमेजन या फ्लिपकार्ट पर अपने गुड्स को सेल कराते हैं, तो उनके लिए आपको यस कर लेना है उनकी रिटर्न फाइल करते हुए, अदरवाइज आप अगर ऐसी कोई भी सेलिंग नहीं करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो आप इसको नो रहने दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद में सिंपल आपको ओके पर प्रेस करना है। जैसे ही आप ओके पर प्रेस करेंगे तो अब आपको सेलेक्ट टेबल टू ऐड डिटेल को, जैसे यहाँ पर जाएंगे ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो देखिए अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन B2C, सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐड रिमूव टेबल पर भी जाकर आप अपने ऑप्शन को एज पर योर रिक्वायरमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमारी कोई भी दिसंबर महीने में B2C सप्लाई नहीं थी, तो आप यहाँ पर नो कर लीजिए और इसके बाद में चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए और ओके कर लीजिए। तो अब आपको इस ड्रॉप डाउन टेबल में B2C सप्लाई का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, सिर्फ आपके सामने नज़र आ रहा है टेबल 3B जो थी सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन B2B ही नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि B2C सप्लाई भी थी तो आप यहां से फिर से जाकर ऐड या रिमूव टेबल को कर सकते हैं। ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम सिलेक्ट कर लेते हैं सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। जैसे आप सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, अगर आप कुछ ऐसे गुड्स या सर्विसेज के सप्लाई करते हैं जिसके ऊपर डिफरेंशियल परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट अप्लीकेबल होता है, तो आप यहाँ इस बॉक्स को चेक कर लीजिए और अगर अदरवाइज ऐसा नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। इसके बाद में सप्लाई कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ IGST Act। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है सेक्शन 7 IGST Act 2017 जो है वह डिफाइन करता है कि अगर आपके गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई आउट ऑफ स्टेट है जिसके ऊपर IGST लगता है, अगर आप कुछ ऐसा गुड्स आपने दिसंबर में सप्लाई किया है जो कि आउट ऑफ स्टेट है, तो आप यहां इस बॉक्स को चेक कर लीजिए, अदरवाइज इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। क्योंकि हम जो आपको इनवॉइस चढ़ाकर दिखाएंगे वह हम विद इन स्टेट ही इनवॉइस आपको दिखाने वाले हैं। तो इसके बाद में आपको सिंपल करना क्या है, रिसिपेंट का GSTN नंबर डालना है, जिसको हमने सेल की है उस व्यक्ति का हम यहाँ पर GST नंबर मेंशन कर लेते हैं, जैसे आप सिंपल GSTR 1 में करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर उसका GSTN नंबर डालेंगे जो आपसे माल खरीद रहा है, यानी कि जिसको आप माल सेल कर रहे हैं, तो ट्रेड और लीगल नेम उसका ऑटोमेटिक ही सबमिट हो जाएगा। इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट टाइप पर सेलेक्ट कर लेना है, क्या आप इनवॉइस को सबमिट कर रहे हैं या डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, तो हम इनवॉइस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट नंबर जो कि इनवॉइस का नंबर होता है, उसके बाद में आपको डेट डाल देनी है, कौन सी डेट में आप इनवॉइस को अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट की वैल्यू, आपके इनवॉइस की टोटल वैल्यू कितनी थी। इसके बाद में आपको करना क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी कहाँ थी, हमारा दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है दिल्ली का और हम दिल्ली में ही प्लेस ऑफ सप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद में ऐड डिटेल के नीचे आपको एक ग्रीन कलर का ऐड बटन नज़र आ रहा है, आपका अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है एक इनवॉइस का, आप यहाँ पर फिर क्लिक कीजिए
जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में अब आपको इस प्रोडक्ट का HSN कोड भी मेंशन करना ज़रूरी होगा। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको दिखाते हैं, जैसे ही आप HSN कोड डालेंगे तो यहाँ पर टोटल HSN कोड यानी कि प्रोडक्ट की डिटेल आपके सामने आ गई है कि ये HSN कोड किस प्रोडक्ट का है, कॉपर प्लेट्स शीट्स एंड स्ट्रिप्स ऑफ थिकनेस। तो यहाँ पर पूरी कंप्लीट डिटेल आ गई है। इसके बाद में आप आ जाना टैक्सेबल वैल्यू पर कि आपके प्रोडक्ट की टैक्सेबल वैल्यू क्या है। हमने डाल दी 15,900। इसके बाद में आपके प्रोडक्ट पे कितने परसेंटेज का टैक्स लगता है, इनका रेट ऑफ टैक्स क्या है। हमने 18% सेलेक्ट किया क्योंकि विद इन स्टेट था, तो CGST 1431 रुपये और 1431 रुपये SGST इक्वल इक्वल आ गया है। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर सेस भी अप्लीकेबल होता है तो वह भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में आपको एक्शन पर एड पर क्लिक करना है और एक्शन ले लेना है। और अगर आपका इसके बाद में अगर आपको दूसरा भी कोई प्रोडक्ट है तो आप वह भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, उसका भी HSN कोड यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में आपको सिंपल सेव डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको एक यहाँ पर पॉपअप मैसेज आ गया है, सेव रिक्वेस्ट एक्नॉलेज, कि आपकी रिक्वेस्ट को सेव कर लिया गया है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अपनी सभी इन्फॉर्मेशन जो आपने अभी इनवॉइस अपलोड किया है उसकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। देखिए रिसिपेंट का GSTN नंबर है, ट्रेड या लीगल नेम इसका ऑटोमेटिक ही आ गया है। इसके बाद में रिसिपेंट टाइप क्या है, रेगुलर है। डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस था। डॉक्यूमेंट का नंबर क्या था, इनवॉइस का 3 था। इसके बाद में डॉक्यूमेंट की डेट क्या थी, 14 दिसंबर 2019। इसके बाद में डॉक्यूमेंट की वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी थी, 18,762 हमने डाली थी। इसके बाद में प्लेस ऑफ सप्लाई, हमने गुड्स को कहाँ पर सेल किया था, तो हमने दिल्ली में किया था। उसके बाद में डिफरेंशियल परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है तो हमने उसको एज इट इज़ रहने दिया था। इसके बाद में सप्लाई कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट, क्या आउट ऑफ स्टेट सप्लाई थी तो हमने उसको नो रहने दिया। सप्लाई टाइप क्या थी, इंट्रा स्टेट थी, अगर यहाँ पर यस कर देंगे हम तो ये इंटर स्टेट आ जाएगा। टोटल टैक्सेबल वैल्यू 15,900 है। इसके बाद में अगर आउट ऑफ स्टेट होती तो इंटीग्रेटेड टैक्स आ जाता है 18% से, क्योंकि हमारी विद इन स्टेट है तो 1431 रुपये सेंट्रल टैक्स है और 1431 रुपये SGST टैक्स हमारा आ रहा है। उसके बाद में डेट ऑफ अपलोड कि हमने इनवॉइस कौन सी डेट में अपलोड किया है। देखिए फ्रेंड्स 6 जनवरी 2020, ये हमने अपने नीचे कंप्यूटर की डेट भी हमने आपको दिखाई, 6 जनवरी 2020 है। इसके बाद में स्टेटस क्या आ रहा है, इन प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग में है। आपको करना क्या है, थोड़ी देर के बाद में आना है, आपको रिफ्रेश कर लेना है। जैसे आप रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब हम चेक कर लेते हैं स्टेटस हमारा। देखिए स्टेटस क्या है, अपलोडेड हो चुका है। अब यहाँ पर आप एक्शन ले सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपने जिस इनवॉइस को अपलोड किया है, जो कि हमने आपको अभी करके दिखाया है, कि उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप एडिट पर भी क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। और अगर आप इस इनवॉइस को चाहते हैं कि डिलीट करना जो कि आपने अपलोड किया है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बैक आ जाना है। जैसे ही आप बैक आएंगे तो आपको, जैसे आप अभी तक अपनी GSTR 1 की समरी को प्रीव्यू करते थे, आप यहाँ पर भी डाउनलोड GSTNX 1 की समरी को PDF फॉर्म में भी ले सकते हैं और एक्सेल फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने PDF की फॉर्म में किया है और हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसा आपकी स्क्रीन पर है ये देखिए, GSTNX 1 हमने जो सबमिट की है ये आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही है। देखिए फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, PDF की फॉर्म में है ये, जहाँ पर हमने टोटल इनवॉइस की वैल्यू 18,762 थी, टैक्सेबल वैल्यू 15,900 थी, इसपे सेंट्रल टैक्स जो था CGST 1431 और इतना ही SGST टैक्स हमारा लगा था।
इसके बाद में आपको करना क्या है, बैक आना है और ऐसे ही अगले नेक्स्ट इनवॉइस को भी अपलोड करना है और कंप्लीट अपनी ANX 1 को फाइल कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आपके लिए अभी 3 महीने हैं ट्रायल वर्जन को इस्तेमाल करने के लिए, जनवरी, फरवरी और मार्च, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से तो ये कंपलसरी आपके लिए न्यू रिटर्न को कर ही दिया जाएगा GST की। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन 3 महीनों में अपने क्लाइंट की न्यू GST रिटर्न के अकॉर्डिंग उनके इनवॉइस अपलोड करके देखिए, क्योंकि उसकी टैक्स की लाइबिलिटी तो आपके ऊपर इम्पोज नहीं की जाएगी, क्योंकि ये अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रायल वर्जन है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अभी न्यू रिटर्न को अप्लीकेबल होने से पहले अच्छी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे कि आपको 1 अप्रैल या ऑनवर्ड्स 1 अप्रैल कोई भी दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो इंपॉर्टेंट लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और आगे भी शेयर कर लीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।